नमस्कार, मैं हूं नमन अग्रवाल और आप देख रहे हैं बिफोर प्रिंट डॉट इन। आज से दो दिनों के लिए गृह मंत्री अमित शाह बिहार दौरे पर रहेंगे। इन दो दिनों के दौरान वो सीमांचल में मौजूद रहेंगे। ये बिहार का वो इलाका है जिसके बारे में दावा किया जाता है कि यहाँ बांग्लादेश से घुसपैठ और रोहिंग्या के जुड़े मामले सबसे ज्यादा हैं। अमित शाह के दौरे से पहले ही सियासी सरगर्मी भी तेज हो गई है। जेडीयू और आरजेडी हमलावर हैं, तो वहीं बीजेपी भी जमकर पलटवार कर रही है। अमित शाह आज अपने सीमांचल दौरे का आगाज पूर्णिया की एक रैली से करेंगे, जिसमें 1 लाख से ज्यादा लोगों के जमा होने की उम्मीद जताई गई है। रैली के बाद गृह मंत्री किशनगंज के लिए रवाना हो जाएंगे, जहां वो बिहार बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक में शामिल होंगे। गृह मंत्री के इस दौरे पर बिहार का सियासी पारा भी हाई हो रखा है। हंगामा इस बात पर बरपा है कि अमित शाह बिहार क्यों आ रहे हैं, और वो भी सीमांचल में जहां मुस्लिम आबादी का दबदबा है। बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने कहा है कि मैंने सुना है कि लालू, नीतीश और तेजस्वी परेशान हैं कि क्यों आ रहे हैं गृह मंत्री जी, तो क्या बिहार में आने के लिए अमित शाह जी को इनसे वीजा लेना पड़ेगा। वहीं अब आपको बताते हैं कि अमित शाह के सीमांचल दौरे का क्या आज का शेड्यूल है। आपको बता दें कि अमित शाह 2 दिवसीय दौरे पर सीमांचल आ रहे हैं, जिसमें से आज यानी के 23 सितंबर का जो शेड्यूल है उसमें पूर्णिया के चुनारपुर हवाई अड्डे से सीधा पूर्णिया के इंदिरा गांधी स्टेडियम में अमित शाह आएंगे, जहां जनभावना रैली है। यहां पर वह जनसभा को संबोधित भी करेंगे। यहीं से सीधा वे पूर्णिया के चुनारपुर हवाई अड्डा वापस जाएंगे। यहां से हेलीकॉप्टर से किशनगंज जाएंगे। आपको बता दें कि किशनगंज में शाम 4 बजे माता गुजरी विश्वविद्यालय में बिहार बीजेपी के पदाधिकारियों की बैठक है, जिसमें वह शामिल होंगे। वहीं अमित शाह के दूसरे दिन के दौरे यानी कि 24 सितंबर का क्या शेड्यूल रहेगा, वह भी आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। सुबह 9:30 बजे किशनगंज में सुभाष पल्ली काली माता मंदिर में अमित शाह पूजा करेंगे। किशनगंज में सुबह 10:30 पर SSB कैंपस BOP का दौरा करेंगे, भवन का उद्घाटन करेंगे, और किशनगंज में दोपहर 12 बजे BSF कैंप में अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। किशनगंज में दोपहर 3:30 पर माता गुजरी विश्वविद्यालय में आजादी के अमृत महोत्सव पर आयोजित कार्यक्रम सुंदर सुभूमि में शिरकत करेंगे। वहीं आपको बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के लिए सुरक्षा के लिए पुख्ता इंतजाम भी किए गए हैं। केंद्रीय गृह मंत्री के आगमन को लेकर सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम है। चप्पे चप्पे पर निगरानी रखी जा रही है। स्थानीय पुलिस के साथ साथ केंद्रीय सुरक्षा कर्मी भी हैं। वहीं डॉग स्क्वाड भी तैनात है। कई नेता पहले से पहुंच चुके हैं। अब आपको बताते हैं कि अमित शाह का सीमांचल दौरा इतना खास क्यों है। अमित शाह का सीमांचल दौरा इतना खास क्यों है, वो भी आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। अमित शाह का यह दौरा कई मायनों में खास माना जा रहा है। दरअसल अमित शाह के इस दौरे से ठीक एक दिन पहले देश के 11 राज्यों में ताबड़तोड़ छापेमारी कर NIA और ED ने PFI के 106 लोगों को गिरफ्तार कर अपने इरादे साफ कर दिए हैं। इस कार्रवाई में PFI के पूर्णिया कार्यालय में भी छापेमारी हुई है। ऐसे में रैली से पहले आतंकवाद, अलगाववाद और घुसपैठ के खिलाफ इसे कड़ा संदेश माना जा रहा है। दरअसल पूर्णिया पश्चिम बंगाल की सीमा से सटा हुआ इलाका है, जहां बड़ी संख्या में घुसपैठ होती है। माना जा रहा है कि इस इलाके में अवैध बांग्लादेशी और रोहिंग्या बड़ी संख्या में पश्चिम बंगाल के रास्ते बिहार में दाखिल होते हैं, और इसी का नतीजा है कि इस इलाके में मुसलमानों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। PFI उन्हें अपने टूल के रूप में इस्तेमाल करता है। सूत्रों से यह भी जानकारी मिली है कि PFI अवैध घुसपैठ करने वालों को लोकल लॉजिस्टिक यानी के ID कार्ड से लेकर तमाम वह कागजात उपलब्ध करवाता है, जिससे वह भारतीय नागरिक की तरह आराम से रह सके। इस बीच अमित शाह का दौरा और दौरे के पहले PFI पर कार्रवाई घुसपैठिए और PFI नेटवर्क के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। वहीं 2024 चुनाव के लिए पार्टी के लिए माहौल बनाने की भी तैयारी हो रही है। इस दौरे के तहत अमित शाह पूर्णिया में पहले दिन रंगभूमि मैदान में बड़ी रैली को संबोधित करेंगे, जबकि 23 सितंबर को ही किशनगंज में पार्टी के सांसदों, विधायकों, पूर्व मंत्रियों और प्रमुख नेताओं के साथ मिशन बिहार पर रणनीति तैयार करेंगे, और उसके बाद बिहार भाजपा कोर कमेटी के साथ बैठक करेंगे। 24 सितंबर यानी शनिवार को अमित शाह अपने दौरे की शुरुआत किशनगंज के बूढ़ी काली मंदिर में दर्शन के साथ करेंगे। इसके अलावा SSB BSF के अधिकारियों के साथ बैठक भी करेंगे। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।